जी हाँ, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि आपको भी उम्मीद है कि भर्ती बेशक विलंब से आएगी, भर्ती देर से आएगी, लेकिन कई बार उम्मीद लगाई जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर आने वाले समय में निकट भविष्य में हो सकता है टेट के अंक जोड़े जाएं, क्योंकि अभी देखिए कई राज्यों में ऐसा नोटिफिकेशन भी देखने को मिला है, लेकिन यह इसकी जो संभावना है वो शून्य है कि ऐसा हो सकता है। फिर भी हम अपने संभावनाओं के पुल पर चढ़कर हम चाहेंगे अपने इस दरिया को पार करना, सिलेक्शन तक के लिए पहुंचने के लिए। उसके लिए आप सभी साथी जो भी लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए, आने वाले भर्ती परीक्षाओं में इन दोनों को लेकर तैयार करना है, क्योंकि जिस हिसाब से परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, जिस हिसाब से कठिनाई स्तर का बोलबाला होता जा रहा है, उससे एक बात साफ और स्पष्ट है कि आने वाले समय में हमें और आपको भर्तियों को लेकर, शिक्षक भर्तियों को लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि वरना हम सिलेक्शन से काफी दूर होते चले जाएंगे। और ये सिलेक्शन के जब दूर हो जाएंगे तो हमें आने वाले समय में, क्योंकि अब प्राथमिक के लिए कहीं ना कहीं एक तरह साफ हो गया कि बीटीसी और डेलेट का दौर रहेगा, और अपर प्रारंभिक के लिए अगर हम बात करें तो अपर प्रारंभिक के लिए जो जूनियर सुपर टेट होता है, जैसा कि आपने देखा आर्य विद्यालय हुआ, इस तरह और भी रास्ते खोलने वाले माध्यमिक का, क्योंकि अगर आप जो प्रस्ताव जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि जो माध्यमिक था, अब माध्यमिक में जो भर्तियां होती थी, जूनियर में जो भर्तियां होती थी, एडेड विद्यालय में जो भर्तियां होती थी, वो अभी तक मैनेजमेंट करता था, लेकिन आपने पीछे भी देखा कि माननीय सरकार ने अब खुली भर्ती के माध्यम से करने का प्रयास किया है, बेसिक भर्ती भी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये खुली भर्ती के माध्यम से मिलने वाला है, और एक तरह से इस पदों पर भी याचन शुरू है। और एक बात ये भी है कि हो सकता है इस चुनाव से पहले आए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक बात और स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि आने वाले चुनाव मतलब कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद आपको जूनियर शिक्षक भर्ती में, जूनियर सुपर टेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जूनियर सुपर टेट की तैयारी बीएड के अभ्यर्थी करेंगे और वही जूनियर यूपी टेट की तैयारी करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक में जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, इन दोनों के सब्जेक्ट की हम एक बार पैरेलल चर्चा करेंगे। और आप चाहें कि इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा, जहां जरूरत पड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे इसके सभी तथ्यों पर एक एक करके चर्चा करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए बात करेंगे, यूपी टेट प्राइमरी और सुपर टेट प्राइमरी, फिर हम यूपी टेट जूनियर और सुपर टेट जूनियर, इन दोनों पर क्रमवार रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। और बैच के चक्कर में भी मत पड़िए, कोशिश करिएगा खुद से तैयारी करने के लिए, अभी आप लोग को बैच का कोई मतलब नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आपके पास समय है, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है, अब आपको किताबों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, अब आपको खुद का नोट्स तैयार करना पड़ेगा और एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा। एक एक करके हम पहले सबसे पहले इस वीडियो पर पूरा चर्चा कर लेते हैं और अलग अलग लोग टिप्पणी करते हैं, यहाँ पे ना कोई बैच चलने वाली है, ना कोई बैच के बारे में बताने वाला हूँ, आपको अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करनी है, आपको अगर ऐसा करना हो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। देखिए कई तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबसे पहले हम उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं और सभी बातों पर क्या लगा। सबसे पहले ये बात जान लीजिएगा कि यूपी टेट सुपर टेट, सबसे पहले प्राइमरी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं प्राथमिक की बात करता हूँ, यहाँ पे पीआईटी की बात हो रही है। जो यूपी टेट है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, शायद आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी आवाज सुनाई भी दे रही होगी, एक बार जरा फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग चर्चा कर सके, सारे कॉन्सेप्ट पर बात कर सके। यहाँ पे देखिए यूपी टेट हम जो इसकी बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक की बात करो, यहाँ पे जो पूरा है ये ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पीआरटी में इस एक एक करके हम बात करते हैं, उसके बाद जूनियर की बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके सभी में हम चलते हैं। अगर यूपी टेट की बात करें तो यहाँ 5 सीरीज आपको चूज करना होगा, माने 5 सेशन का जो पेपर होगा, 30-30 प्रश्न होंगे, कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी, देखिए हैंडराइटिंग में थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो 5 × 30, यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150, और यहाँ पे जो प्रश्न है वो भी होंगे, ये प्रश्न होंगे, और यहां पर भी प्रश्न जो होंगे 150 प्रश्न होंगे। समय की बात करें 150 मिनट यहां भी, 150 मिनट यहां पर भी, लेकिन कैसे दोनों की तैयारी की जाए एकदम समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं भाषा की बात करूं, सबसे पहले जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो सबसे पहला जो आपके सामने आने वाला है वो है भाषा। अब इस भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं, भाषा में क्या देखना है, यहां पर भी भाषा है। तो अगर आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब दोनों भाषाओं में देखिए कुछ चीजें बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में पूरा पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 3 भाषाएं होती है, 3 भाषा कौन कौन सी है, हिंदी जो है कंपलसरी सभी के लिए है, हिंदी सबके लिए कंपलसरी है। दूसरी जो ये 2 भाषाएं, ये आपकी फर्स्ट भाषा हो गई, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो सेकेंड भाषा है, जो सेकेंड लैंग्वेज है, वो आप संस्कृत
या अंग्रेजी। अब इसमें से किसी एक भाषा की आप तैयारी करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, खूब समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पे देखिए, अब भाषा यहां पे आपको तीन पढ़नी है, यहां पर आपको भाषा तीन पढ़ना है, हिंदी कंपलसरी है आपके लिए। अब यहां पर हिंदी आपको 20 अंक मिले हैं और यहां पर ये आपके 30 अंक हैं, सॉरी यहां पर ये 30 अंक है, यहां पर हिंदी आपके 20 अंक हैं, और यहां पर अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये 10 अंक हैं, संस्कृत की बात की जाए तो 10 अंक। अब अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेगा तो सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट नजर आएंगी। अब यहाँ पे अगर आपने दो भाषा चूज किया, जैसे हिंदी कंपलसरी है, हिंदी चाहे यूपी टेट के लिए पढ़े चाहे सुपर टेट के लिए पढ़े, दोनों की तैयारी जैसी, दोनों में आपको व्याकरण पढ़ना है। यहाँ पर साहित्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट में साहित्य नहीं है और यहाँ पर साहित्य है, लेकिन यहाँ पे विविध में जाकर साहित्य आपको पढ़ने को मिल जाएगा। साहित्य मतलब रचनाओं से जुड़ा हुआ सवाल आपको सुपर टेट के विविध में पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पूरा व्याकरण पढ़ लीजिएगा, माने अभी पूरा आपको व्याकरण पढ़ना होगा, यहां पर आप पूरा व्याकरण पढ़ लीजिए। जब पूरा व्याकरण आप खत्म कर लेंगे तो दूसरा यहां पर साहित्य भी पढ़ना है, यहां पर केवल आपको व्याकरण पढ़ना है, यहां पर भी संस्कृत में भी क्या है, यहां पर भी केवल ग्रामर है, माने यहां पर भी क्या है, व्याकरण है और प्लस साहित्य है। ध्यान दीजिएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपकी संस्कृत हो, यहां पे आपकी उर्दू भी है, उर्दू भी यहां पर है, ठीक। तो आप यहां पे एकदम देख लीजिएगा, अब यहां पे केवल व्याकरण पढ़ना है, जो साहित्य वो विविध का सेक्शन है, यहां पर भी आपके लिए ग्रामर है और यहां पर भी आपके लिए व्याकरण है, यहां पर भी आपके लिए व्याकरण, मतलब आप यहां पर आपके लिए 40 अंक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भाषा 40 अंक का होगा और यहां पर भाषा आपका 60 अंक का हो। अब अगर आपने दो भाषाओं पर फोकस करना ही करना है, अगर दो भाषाओं को अपने 60 नंबर की तैयारी कर ली तो आपके 30 नंबर सुपर टेट में हो गए। एक भाषा को आपको क्या करना है, रिवीजन करना, क्योंकि जिस भाषा का आप यहाँ पे चयन नहीं करेंगे वो भाषा यहाँ पर आपको कठिन, ध्यान दीजिएगा, जैसे जिसको संस्कृत लेगा उसको अंग्रेजी वीक होगी, अंग्रेजी वाले का संस्कृत वीक होगा। अब अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप यूपी टेट अभी नहीं पास है तो पहले इसी पर फोकस करिए, जब यूपी टेट परीक्षा पास हो जाइएगा तो हिंदी वाले संस्कृत वाले अंग्रेजी पर, अंग्रेजी वाले संस्कृत पर फोकस करेंगे। जैसे सपोज दैट मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने, मेरी संस्कृत वीक है, मैंने यूपी टेट में अंग्रेजी पढ़ लिया, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लिया, अब जैसे यूपी टेट परीक्षा पास होता हूं तुरंत मैं किस पे काम करूंगा, संस्कृत पर, ताकि अब समय है क्योंकि सुपर टेट को पढ़ने के लिए, तो क्योंकि एक साथ दोनों आएगा नहीं, सबसे पहले यूपी टेट होगा उसके बाद ही सुपर टेट होने वाला है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया। अब मैं इसी के साथ और आगे मैं बढ़ता हूं, अब एक भाषा जो थी दोनों मैंने क्लियर कर दिया, दूसरी में बात करता हूं सीडीपी, दूसरा क्या है सीडीपी, मैं सभी के सवालों का भी जवाब दूंगा लेकिन आप लोग सबसे पहला काम यह है सीडीपी। यहां पे सीडीपी 30 प्रश्न 30 अंक आएंगे, यहां पे अलग अलग रूप में सीडीपी आपको देखने को मिलेगा, यहां पे सीडीपी तीन अलग अलग रूपों में देखने को मिलने वाला है, 10-10 अंक, यहां पर प्योर सीडीपी 10 अंक है, फिर इस तरह से यहां पर भी सीडीपी 30 अंक। तो सबसे पहले अगर आपने, मैं आप सभी के सवालों के जवाब में लास्ट में दूंगा, सभी को जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं सभी के सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या, मैं इस पर पूरा एक बार आपको डायग्राम बना के बता दूं, यहां पे जो सीडीपी पढ़नी है वो तो पूरा बाल विकास आपको पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ना है, आईटी 2009 पढ़ना है, ये अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो यहां का लगभग आप 15 नंबर तैयार कर ली। लेकिन इसके साथ इसमें जीवन कौशल है, सीडीपी है, शिक्षण कौशल है, लेकिन ये इससे मिलता जुलता है, इसमें भी एनसीएफ 2005 है, आईटी 2009 है, नई शिक्षा नीति है, यहां पर भी नई शिक्षा नीति है। तो अगर आप सुपर टेट यूपी टेट नहीं पास है तो इस सीडीपी को फोकस करिए, और जब आप यूपी टेट पास हो जाइए इसके बचे हुए पर फोकस करिए, लेकिन अगर आप यूपी टेट पास है तो इन तीनों पर फोकस करिए, सबसे पहले जीवन कौशल और शिक्षण कौशल पर फोकस करिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा दौर है, यहां पे तीन सब्जेक्ट हो गए, अब हम चलते हैं ईवीएस की तरफ, अब हम बढ़ते हैं ईवीएस की तरफ, ईवीएस यहां पे 30 अंक का है। तो जो ईवीएस है ना यूपी टेट का, इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा जीके है, ये पूरा क्या है, जीके है। इसमें ईवीएस के साथ साथ संविधान भी पूछे जाते हैं, साइंस भी पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा यूपी स्पेशल से सवाल आते हैं, बीवी से भी सवाल आते हैं, भारत का भूगोल सवाल होता है,
विश्व भूगोल से सवाल आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल है, प्राचीन इतिहास से भी सवाल कभी कभी पूछ ले गए हैं। मतलब जो ईबीएस का सेक्शन है सीडीपी यूपी टेट का, तो अगर आप सुपर टेट नहीं पास हैं तो यूपी टेट की ईबीएस पर खूब बढ़िया से फोकस करिए, माने हर उस पॉइंट को पढ़िए, क्योंकि उसके साथ साथ आपका सुपर टेट भी अपने आप तैयार हो रहा है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो यहां पर यूपी टेट पास है, वो ईबीएस पूरा तैयार करेंगे प्लस बीवी पर फोकस करेंगे, करंट अभी नहीं पढ़ेंगे, करंट अभी आपको नहीं पढ़ना। इस ईवीएस में आपको तीनों इतिहास पढ़ने हैं, प्राचीन इतिहास कम है, मध्यकालीन इतिहास का थोड़ा सा रोल है, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करना है, संविधान पूरा पढ़ना है और अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, ठीक। इसके साथ साथ इसमें 10 नंबर का विज्ञान भी है। तो अगर यूपी टेट में थोड़ा सा ब्रॉड अगर आप पढ़ लेते हैं तो ईवीएस यहां 10 का है, विविध करंट को निकाल दे तो लगभग 18 का होगा, ऐसे 30 नंबर का है। तो मैं यहां पे केवल ये बता रहा हूं, जीएसजी के वाला विविध बता रहा हूं, जीएसजी के वाला विविध 18, क्योंकि इसमें क्या है 12 नंबर का करंट आता है, 12 नंबर क्या आता है करंट, सीए करंट आता है, ठीक है, करंट अफेयर। विज्ञान 10 नंबर का है, मतलब अगर आप थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ ले, थोड़ा सा ब्रॉड अगर आप पढ़ ले, तो इसमें हमने देखा ईबीएस 10-10-20 आप 38 नंबर की तैयारी आप इस 30 नंबर के साथ कर सकते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, फिर भी नहीं आया तो फिर पूछ सकते हैं। मतलब अगर आप, मैं सभी के बारे एक एक करके जवाब दूंगा जितने भी लोग पढ़ रहे, लूसेंट भी इसके लिए बेस्ट है, लूसेंट भी इसके लिए बेस्ट है। अब दूसरी बात है, ये ईवीएस हो गया, फिर बात करते हैं गणित की। जब भी मैं गणित की बात करता हूं डर सभी के लोगों को बस जाता, जितने इस वीडियो को देख रहे बताइए कमेंट करके कितने लोग का गणित ऐसा है जो वीक है, जरा फटाफट कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, मैं प्राथमिक पद में जूनियर पर भी चर्चा करूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं कि जिनका गणित वीक है, जिनको गणित से लगता है यार बहुत डर लगता है हमको, जरा कमेंट करके बताइए कितने ऐसे साथी हैं जिनको गणित से डर लगता है, सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिए। गणित जो है ना, यूपी टेट और सुपर टेट का गणित लगभग बराबर है, बस यहाँ पे जो मैथ है, यहाँ पे जो गणित है, यहाँ पे जो गणित है आपकी वो 30 नंबर की है, और यहाँ पे जो गणित है, यहाँ की जो गणित है वो 20 नंबर की है, माने यहाँ 30 है और यहाँ पे 20 है। जिनको गणित से डर लगता है यूपी टेट में तो पार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाई करना 150 में 90 लाना है, बेहतर स्कोर के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो अभ्यर्थी सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, उनके पॉइंट में मार्क बनेंगे, उनके मार्क दशमलव में बनने वाले हैं। और ऐसे लोगों को मैं अभी से कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो यूपी टेट पास हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो गणित पर फोकस करें। लेकिन जो अभी तक यूपी टेट नहीं पास हैं, अभी से गणित पर फोकस करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। यहां पर गणित में तीनों गणित आपको पढ़ना होगा, जैसे रेखा गणित, पहले तो अंक गणित हो गया, दोनों का सिलेबस लगभग समान है, अंक गणित हो गया आपको, बीज गणित हो गया, अलजेब्रा, फिर रेखा गणित, और सांख्यिकी के भी सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा सांख्यिकी के भी सवाल आते हैं, और सांख्यिकी साथ साथ ये वैसे इसी अंकगणित में ही जुड़ जाएगा, सांख्यिकी साथ साथ ग्राफ के भी सवाल आते हैं, पाई चार्ट, डंडा, रेख, लेखा, इस तरह के सवाल भी जो है, ग्राफ के भी सवाल जो यहां पर भी पूछा जाता है। तो यहां पर गणित जिनका भी वीक है, जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम बात अपने दिमाग में बैठा लें कि आपको गणित 20 नंबर है, इस 20 नंबर में 15 प्लस स्कोर आपको करना है, क्योंकि अब पॉइंट में आपके गुणांक बनेंगे, क्योंकि अब केवल बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी प्राथमिक रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिलेक्शन से काफी कोसों दूर हो जाएंगे। तो अब इसके अलावा अगर आप यूपी टेट को 150 नंबर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुपर टेट की भी तैयारी आपकी एक साथ होती जा रही है, जिसमें गणित के साथ गणित। इसके अलावा जो यूपी टेट पढ़ चुके हैं, पास हो गए हैं, वो सुपर टेट की तैयारी करते रहें और सुपर टेट में उस विषय पर फोकस करें जो इनका वीक जोन है। जितने लोग यूपी टेट पास हैं कमेंट करके बताएं उनका वीक जोन क्या है। जैसे गणित में मानता हूं कुछ का गणित होगा, आर्ट वालों को ध्यान दीजिएगा, सोशल वालों का साइंस वीक होगा और साइंस वालों का एसएसटी वीक होगा, संस्कृत वाले का इंग्लिश वीक होगा, इंग्लिश वाले का संस्कृत वीक होगा। कंप्यूटर सभी को पढ़ना है, रीजनिंग सभी को पढ़ना है, विविध सभी को पढ़ना है, करंट अभी मत पड़ेगा, जब तक विज्ञप्ति न जारी हो जाए तब तक करंट मत पड़ेगा। क्यों?
कि आज का करंट कल को पुराना हो जाएगा, और जरूरी नहीं आज हम करंट पढ़े तो कल को मुझे याद रहे। अभी उस पर फोकस करिए जो आपको बदलने वाला नहीं है, उन विषयों पर फोकस करिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा और अपने गृह जनपद में आपको नौकरी मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे अरे हम पढ़ लेंगे नौकरी तो मिल जाएगी, मास्टर तो हो जाएंगे। अरे दूसरा जिला मिल जाएगा तब कितनी दिक्कत होगी, दूर का विद्यालय मिल जाएगा तब कितनी दिक्कत होगी। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना है, आपको विशेष फोकस करना है कि आप सबों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन ये दिमाग में बैठा है कि बेहतर स्कोर करना है। जितना बेहतर स्कोर होगा सभी के जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, टेलीग्राम पर सब लोग जुड़ जाएगा क्योंकि सभी की पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएगा, जहां पर मेरी निशुल्क क्लासेज आपके लिए चल रही है। एनसीईआरटी क्लास मैंने शुरू की है, एनसीईआरटी अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछने का रिवाज चल रहा है। एनसीईआरटी की पूरी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर है, और यूट्यूब पर डेली आपको एक एक सीरीज शुरू हो चुकी है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। मैं रिप्लाई दे रहा हूं, पहले एक बार समझा लूं, मैं पूरा रिप्लाई दे रहा हूं एकदम। तो यहां पर हमने देखा कि अगर जो यूपी टेट नहीं पास है तो यूपी टेट कितने विषय को इतनी मेहनत से पढ़े आपका सुपर टेट तैयार हो जाए, और जो सुपर टेट पढ़ रहा है वो यूपी टेट को पढ़ के बेहतर स्कोर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं या केवल सुपर टेट पर फोकस करें। और जिनके अच्छे स्कोर हैं वो सबसे पहले उस वीक जोन पर फोकस करें, पहले साइंस पर फोकस करें, मैथमेटिक्स पर फोकस करें, और साथ में अभी एनसीईआरटी पढ़ ले। एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी कवर कर ले, 6 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर है, जिसमें आपने देखा होगा अभी बीपीएससी का हालत आप देखकर समझ सकते हैं, जहां पर आप एसएसटी, साइंस, मैथ, इस पर अभी आप फोकस कर लीजिए। एसएसटी, साइंस और मैथ, ये तीन की सबसे पहला काम आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर मौका मिल जाए तो 9-10 का इसके बाद पढ़ लेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एसएसटी, साइंस और मैथ पर फोकस करना है। अब एक सवाल आ रहा है कि भैया भर्ती कब आ रही है, मैं सवाल का जवाब भी दे लूंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर भी इसको फोकस, यहां तक किसी को मन में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो पूछ सकता है। यहां पर नोट संबंधी जानकारी एक नंबर यहां पर डिस्प्ले पर लिखा हुआ है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर इलनी भी दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, मेरी निशुल्क क्लासेज आपके लिए जारी है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो कहना है कि अभी सर भर्ती नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मत पढ़िए, आपकी मर्जी है, पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। और यकीन मानिए, जितने लोग बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? ये भी कतई जरूरी नहीं है। नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत से पढ़ेगा। तो आपकी इच्छा है पढ़े ना पढ़े, मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो मुझे इतना शिक्षक मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें। भर्ती आए ना आए, उनकी क्यों भर्ती देखिए, 68,500 दो महीने का गैप मिला था, अचानक से भर्ती और हो गया। 69,000 में भी दो महीने का गैप मिला था, और दो बड़ी भर्तियां माननीय सरकार द्वारा जिस समय हुई, केवीएस भी हुआ, दो महीने से तीन महीने गैप मिला, बिहार शिक्षक भर्ती हुआ, दो महीने गैप मिला, तो डेढ़ महीने गैप मिला। तो जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें डेढ़ से दो महीने का ही गैप केवल मिल पा रहा है, एक लंबा गैप आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए जिनको तैयारी करनी है, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं या जिनका वीक है, जिनको लगता है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, जो खुद को कमजोर मानते हैं, वो कछुए की चाल चलते रहे। जो खरगोश बने बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि जिस दिन भर्ती आएगी मेरा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मैं दूर से प्रणाम करता हूं, और उनको फिर से मैं ये कहूंगा, भैया आप अपनी तैयारी पर फोकस करो, आप भर्ती आएगी तब पढ़ो, नहीं भर्ती आएगी तो मत पढ़ो। भैया मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दिया, ठीक। अगर आपको लगता है कि लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप लर्निंग विद दुर्गेश के पर एक नंबर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने एक बार बता दिया ना कि सभी लोग, चाहे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पर, कहीं भी देख रहे हैं, मैं आपसे बार बार फिर से कहूंगा, भर्ती अचानक से आती है और अचानक से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कभी पिटारा खुल सकता है। भर्ती के सामने चुनाव है, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव के साथ, लेकिन कभी भी तैयारी अचानक से नहीं हो सकती। आसपास दो साल में देख लीजिएगा, जितनी भर्ती आई है किसी में आपको दो महीने से ज्यादा गैप नहीं मिला है। तो आपकी मर्जी है, जिनको वीक है, जो कमजोर अपने आप को मानते हैं, जिनको लगता है नहीं सर मुझे पढ़ते रहना चाहिए, वरना हमें भर्ती भी तो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल से अभी भर्ती भी आएगी और हाथ से निकल जाएगी। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए, उनके लिए एकदम नहीं है जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे। उनको मैं दूर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा मान के बताता हूं कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, और हम मैं भी इस बात का भरोसा, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। मैं और आगे बढ़ता हूं, यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ ले, वरना आज के लिए इतना ही। शेयर करिएगा चैनल पर, नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। फेसबुक देख रहे चैनल को फॉलो करिए वीडियो को, और अपने सभी मित्रों को साझा करिए। अभी तक आप लोगों ने जितना सुना है, जितना जाना है, ये केवल बीटीसी के अभ्यर्थियों के लिए है, या जो अभ्यर्थी
डीएलएड किए हैं, ये उनके लिए पूरा वीडियो है। मतलब प्राथमिक अगर मैं बात करूं, अगर मैं पीआरटी की बात करूं कि बीटीसी के लिए है, ये आपके लिए बीटीसी के लिए था, डीएलएड के लिए था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो भी हो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो को जुड़े रहें। और देखिए क्यों नजर भी आ सकता है, 22,000 आ सकता है, लेकिन आपने पूछा ना सर भर्ती कौन सी पहले आ सकती है, तो मैंने वो बताया जो मुझे संभावना लगी कि सबसे पहले जो आ सकती है वो 22,000 आ सकती है। बाकी आपको क्या उम्मीद है आप सुन लें, लेकिन जो पहली उम्मीद है वो यही है। एक बात ये कि सर जब भी सुपर टेट होगा वो यूपी टेट के बाद ही होगा, मैंने यूपी टेट होगा उसके बाद ही सुपर टेट होगा, इसलिए इस बात को सभी लोग जानते रहिएगा, इस बात को ध्यान बना के रखिएगा, ठीक। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं आगे चलूं। हाँ यार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी मित्रों तक साझा करिएगा, सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू आप सभी का।